पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार में मॉनसून की विदाई हो चुकी है, उसके बाद पछुआ हवा की एंट्री हो गई है। इसी वजह से सुबह और रात में हल्की ठंड का एहसास होने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार आज प्रदेश के सभी जिलों में मौसम शुष्क बना रहेगा। 20 अक्टूबर के बाद से तापमान में गिरावट भी दर्ज की जाएगी। तब तक दिन में उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान करती रहेगी। अभी राज्य का न्यूनतम तापमान की बात करें तो 24 से 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रह रहा है। अगले 4 से 5 दिन तक तापमान में कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि पटना समेत कई जिलों में हल्के बादल छाए रहेंगे, लेकिन इसके बाद से न्यूनतम और अधिकतम तापमान दोनों में कमी आएगी। फिलहाल रात में हल्की ठंडक महसूस हो रही है। 18 या 19 अक्टूबर को राज्य के दक्षिण पूर्वी जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक एसके पटेल ने कहा है कि पश्चिमी विभोज से आने वाले उसकी तीव्रता पर ही निर्भर करेगा कि इस साल ठंड कैसी रहेगी। अक्सर नवंबर से पश्चिमी विक्षोभ आना शुरू हो जाता है। पिछले साल नवंबर और दिसंबर में पश्चिमी विक्षोभ 2-3 बार आया था, पर उसकी तीव्रता कम थी। इस साल जनवरी में पश्चिमी विक्षोभ की तीव्रता अधिक थी, इसलिए ठंड अधिक पड़ा था। जब पश्चिमी विक्षोभ बिहार में दस्तक दे देगा तो इसके 48 से 72 घंटे बाद बिहार के मौसम पर इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। बिहार से अब मानसून की विदाई हो चुकी है और अब पछुआ हवा की एंट्री भी हो चुकी है। यही कारण है कि सुबह सुबह और रात को हल्की ठंडक का एहसास लोगों को होता है, लेकिन दिन में उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान करती है। वही मौसम विभाग के अनुसार 18 या 19 अक्टूबर को राज्य के दक्षिण पूर्वी जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी पोस्ट लाइव।